नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने वाला एक दिग्गज कंपनी है एलटी, मतलब लार्सन एंड टुकरो। तो लार्सन एंड टुकरो जो है वो आज के दिन एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट किया है। तो इस न्यूज के बारे में यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर फटाफट जाकर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए। तो इस चैनल में आपको जरूर बने रहना होगा, क्योंकि मैं इस चैनल में बहुत सारा वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के कौन सा वो ब्रेकिंग न्यूज है जिसके चलते है कंपनी के फ्यूचर और भी ब्राइट होने वाला है। तो इसके बारे में जरूर यहाँ पे बात करूंगा। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे एक एक करके देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला आया हूँ, क्योंकि देखिए आज के दिन मार्केट तो पहले पॉजिटिव में ओपन हुआ, उसके बाद अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। फिर से मार्केट ने जिस तरीके से तेजी से रिकवरी किया वो बहुत शानदार और देखने का लायक था, क्योंकि मार्केट नेगेटिव में होने के बाद भी फिर से करीबन 1% तक जंप देखने को मिला। तो इस पॉजिटिविटी, ऑब्वियसली मार्केट के हर स्टॉक के ऊपर पॉजिटिविटी रहेगा, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के ऊपर भी अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए बहुत दिनों तक मार्केट में बहुत प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं, और भी प्रेशर फ्यूचर में भी शायद क्रिएट भी हो सकता है। अभी तक फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो वो सिनेरियो दिन के दिन खराब होते जा रहा है। तो और भी अदर्स कंट्री इस वॉर में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो थर्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट के ऊपर अभी भी प्रेशर मंडा रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में निवेश करने के लिए सही टाइम है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में करीबन 20-30-40% तक डिस्काउंट में अभी आपको माल मिला है। तो फिलहाल के लिए मैं एलटी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि एलटी मेरे सबसे एक पसंदीदा स्टॉक भी है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहेंगे आपके पास शेयर है तो इसीलिए आप इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कोई कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा हर वीडियोज में यही बताते आया हूँ, पहले आप स्टडी करिएगा उसके बाद निवेश करिएगा। सिर्फ मेरे बात में नहीं, किसी के बात के ऊपर भरोसा मत करिएगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आप देखिए स्टडी करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ उस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस बात को आपको ध्यान से रखना होगा, ध्यान से देखना होगा। तो मेरे हिसाब से तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। क्यों पॉजिटिव हूँ फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो मैं एक एक करके पहले कंपनी का आज के दिन का न्यूज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आप जा सकते हैं। इंडस्ट्रीज न्यूज है, ऑब्वियसली ई पेपर के माध्यम से ही आपको इस न्यूज मिलेगा, तो आप इस साइट को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल एन टी जो है, एक्चुअली देखा जाए एल एन टी लॉन्चेस न्यू B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च करने वाला है, और वो भी यहाँ पे देखिए सनफिन। तो सनफिन क्या है अभी आपको बताता हूँ। तो पहले आप एक चीज देख लीजिए, कौन एलएनटी मतलब लार्सन एंड टुब्रो क्या करने वाले हैं, लॉन्चेस करने वाले हैं न्यू B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स के ऊपर आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला लार्सन एंड टुब्रो कंपनी मंडे के दिन अनाउंस कर चुके हैं कि लॉन्चेस ऑफ इट्स न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एलएनटी सनफिन। तो उसका नाम क्या होगा, एलएनटी सनफिन व्हिच विल सेल बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बिजनेस क्या करने वाले, सेलिंग करने वाले हैं B2B के माध्यम से। ऑब्वियसली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेगा, तो एक ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेगा, तो उसके लिए कंपनी को तो जबरदस्त फायदा होगा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि B2B कंपनी बिजनेस मॉड्यूल यहाँ पे बनाने वाला है। तो मेरे हिसाब से न्यूज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए कंपनी अगर B2B का बिजनेस करते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आप भी बिजनेस दीजिए मैं भी आपको बिजनेस देता हूँ, तो इस तरीके से B2B बिजनेस जब करते हैं तो हमेशा कंपनी के ही फायदे होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए B2B इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब इंडस्ट्रियल जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड सर्विसेज के ऊपर काम करेगा। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर कंपनी B2B का प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करेगा, वो भी एल एन टी सनफिन
ई कॉमर्स बिजनेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द प्लेटफॉर्म विल सेल ए सिलेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अक्रॉस ओवर 40 कैटेगरीज, मतलब 40 कैटेगरीज के ऊपर काम करेगा, एज विल यहाँ पे देखिए फाइनेंसिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब फाइनेंसिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट के ऊपर भी काम करेगा। इट विल इंश्योर लास्ट माइल डिलीवरी टू ओवर 15,000 पिन कोड ऑफ द कंपनी सेड, मतलब कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कर चुके हैं, 15,000 पिन कोड, 15,000 पिन कोड भी को माइल, मतलब जो माइलस्टोन है इसका, लास्ट माइलस्टोन डिलीवरी कर चुके हैं कंपनी बिजनेस, मतलब काम करके 15,000 पिन कोड माइलस्टोन। तो बहुत बड़ा कंपनी यहाँ पे काम करते हैं, आप सभी जानते हैं एलएनटी कितना बड़ा कंपनी है, क्योंकि कोई छोटा मोटा कंपनी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, देयर वॉज द नीड टू डिजिटलाइज द सप्लाई चेन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जितने सारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उसका बिजनेस भी B2B बिजनेस के माध्यम से, मान के चलिए आप छोटा बिजनेस करते हैं तो आपके साथ भी एलएनटी ग्रुप जुड़कर काम करेगा आपका। आप बड़ा बिजनेस, बड़ा कोई प्रोजेक्ट आपको मिल नहीं रहा है और आप काम करना चाहते हैं, तो एलएनटी का जो प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपका भी काम, आपको भी काम करने का मौका मिलेगा, उसी को B2B यहाँ पे नाम दिया गया है। तो B2B के माध्यम से देखिए कंपनी को जरूर फायदा होगा। देखिए कंपनी अगर मान के चले अमेजन क्या करते हैं, अमेजन B2B का ही बिजनेस करते हैं, उसका खुद के पास कुछ कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, वो दूसरों के माल लेकर, एक के पास माल लेकर दूसरों को बेचते हैं, तो यही उसका बिजनेस है। तो सेम टू सेम एलएनटी भी उसी तरीके से बिजनेस मॉड्यूल यहाँ पे ले आना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव न्यूज़ है और फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूज़ है, क्योंकि फ्यूचर में इस तरीके से बिजनेस जो सबसे पहले करेगा उसी को ज़्यादातर फायदा मिलेगा। आप खुद ही देख चुके हैं अमेजन फ्लिपकार्ट किस तरीके से काम करते हैं, तो बताने का जरूरत नहीं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? ऑब्वियसली इस बात को कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कंपनी 6 महीने में आपको उतना ही ज़्यादा लॉसेस नहीं दिया, देखिए 0.89% का लॉसेस, ना के बराबर लॉसेस, 1 महीने में देखेंगे तो 11% का लॉसेस। हाँ चलो बहुत सारे कंपनीज में तो 30-40-50% तक लॉस दिया, तो फिर भी इस कंपनी ने तो मात्र 11% का लॉस, 1 साल में तो कंपनी प्रॉफिट दे रहा है 9% का, 5 साल में कंपनी क्या किया आप देख लीजिए, 66% का प्रॉफिट। हाँ उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, फिर भी 66% का प्रॉफिट दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना शानदार रैली, हाँ बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी जरूर रहेगा, मगर हमेशा अप टेन होने वाला कंपनी है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो एक भी शेयर बेचिएगा मत, इस तरीके से कंपनी आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी के पास कर्जा है मानता हूँ, डेप्थ है, डेप जितना है उतना ही कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे कमा, खुद कमा रहा है, साथ ही साथ कंपनी के हाथ में कैश भी जबरदस्त है, 21,900 करीबन 22,000 करोड़ कंपनी के हाथ में कैश है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 1.66 टोटल परसेंटेज का डेप्थ है। कंपनी अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, 59 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है, मतलब इसका एक शेयर में कंपनी 59 रुपीज अर्निंग कर रहा है, ये भी एक बड़ा अर्निंग है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 19.3% रिटर्न ऑफ इक्विटी है, तो अच्छा खासा यहाँ पे हर पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं इस कंपनी के बारे में जरूर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप खुद ही देख लीजिए 2,30,000 करोड़ किससे भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, छोटा मोटा कंपनी मत समझिए, क्योंकि कंपनी इंडिया का नंबर वन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग के ऊपर काम करते हैं, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी नंबर वन है, और कंपनी हमेशा हमेशा आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस दिया है, क्योंकि खुद प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसलिए खुद भी आपको रिटर्न भी प्रॉफिट में दिया हुआ है। हाँ शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल 2 साल 1 साल 6 महीने के लिए कंपनी लॉस शायद दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी का सीनरियो ऐसा है, सिर्फ कंपनी का प्रॉब्लम नहीं ऑल ओवर मार्केट का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इस तरीके से गिरावट को आपको कंसिडर करना चाहिए। तो देखिए कंपनी हर साल में खुद का रेवेन्यू कितना ज़्यादा सेल्स किया है आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी को एक्सपेंस भी देखिए उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ। और टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो सॉरी इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट भी देखिए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी लेके रखा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे हर साल में
खुद कमा रहा है। तो इसलिए आपको भी देखिए कितना शानदार रिटर्न दिया, अभी तक देखिए कंपनी लॉस कभी नहीं दिया। हाँ मानता हूँ मैं कंपनी उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं दिया, तो फिर भी देखिए 10% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिला। देखिए कोई ख़राब नहीं है, आप बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको 2.5% का पार एनम आपको रिटर्न मिलेगा। तो देखिए आप कहेंगे सर मैं बैंक में पैसा नहीं रखता, मैं म्यूचुअल फंड करता हूँ, मैं FD करता हूँ, वहाँ पे भी आपको देखिए 5% 5.5% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको 10% तक ही रिटर्न मिलेगा, 10-15% 20% तक रिटर्न मिलेगा मान के चलिए। फिर भी देखिए मार्केट अगर गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड भी आपको लॉस दे सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप सिक्योर जोन में खेलना चाहते हैं, सिक्योर जोन में काम करना चाहते हैं तो LNT के ऊपर आप जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी देखिए बहुत बार आपको डिविडेंड देते रहते हैं, हर साल में 2-3 बार आपको डिविडेंड देते रहते हैं। साथ ही साथ बोनस के बारे में बात करूँ तो बोनस देने का बादशाह है, आप देख लीजिए इस कंपनी में निवेश करने का यही सबसे बड़ा फायदा है। 2016 में 1:1, 18 में 1:1, 13 में 1:2 एंड 17 में 1:2 रेशियो का आपको बोनस दिया। मतलब मान के चलिए आपका शेयर कितना गुना हो गया आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। प्रोमोटर तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी प्रोमोटर नहीं है। 23% यहाँ पे टोटली FS के पास माल है, 32% DS के पास माल है और पब्लिक भी 48% होल्ड करके रखा। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी अच्छा खासा गुड न्यूज़ लेके आए। फिर भी मैं कहूँगा कंपनी बिजनेस इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना शानदार काम करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आपको 5-स्टार रेटिंग दूंगा इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने के लिए। देखिए आप भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे आपकी बात है, फिर भी आप स्टडी करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है और इन्फॉर्मेबल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आप डेली बेसिस इंटरडे में काम करते हैं और अभी तक आपको डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, उस वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।